चलो देख लो, कल वाली क्लास में मैंने क्या देखा था। कल वाली क्लास में समझ रही थी उत्तराखंड का भूमि बंदोबस्त, आज उसका क्लास नंबर दो है। ए भैया इधर देखो, क्लास नंबर दो। कल कुछ चैप्टर को पूरा सुनूंगा, समझ गए, ये चैप्टर मेंस में काम आएगा। इसके पीछे तुम्हें पता क्या करना, थोड़ा सा काम करके लिख लेना, जब भी तुम लास्ट में जाके चैप्टर खत्म हो, इसके पीछे इसका इंट्रोडक्शन तैयार करके रख देना और कंक्लूशन भी इस पर लिखना पड़ेगा जरूर पेपर में। ये पीसीएस में काम आएगा लास्ट में जाकर, जब भी तुम पीसीएस दोगे और वहाँ से तुम इंट्रोडक्शन इसके पेज के हर तो जब भी चैप्टर खत्म कराऊंगा ना, मेंस का जो भी पेपर होगा उसके पीछे इंट्रोडक्शन पहले चार लाइन का लिख देना और कंक्लूशन लास्ट में हो, और साथ साथ उसे भी पढ़ना। जब भी तुम पीसीएस दोगे ना आराम से तुम्हें सुविधाएं हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ने की तुम्हें, समझ गए ना क्या कह रहा है, कुछ कर रहा हूँ समझ गए। वो मैं आज बताऊँगा इसमें तो कौन सा इंट्रोडक्शन खींच कर लेगा ना, समझ में। चलो अब कल हमारी बात कहाँ खत्म हो गई थी, कल हमारी बात कहाँ खत्म हो गई थी, मैंने तुम्हें भी कहा था कि जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड के अंदर भूमि को लेकर हमेशा अलग अलग जो भी यहाँ व्यवस्था, जो भी यहाँ शासन करता रहा, जो भी सत्ताधारी पार्टियाँ शासन करती, सत्ता करने वाले शासन करने वाले लोग शासन करते रहे, उन्होंने सब अलग अलग समय पर अलग अलग कानून बनाए, अलग अलग अपने हिसाब से व्यवस्था चलाई। जब यहाँ परमार वर्ग का शासन था तो उनका अलग व्यवस्था थी, चंद्रवंश आए उनकी अलग व्यवस्था थी। चंद्रवंशों में मैंने तुम्हें नाम बताया था भैया, उसका क्या कहते हैं, रतन चंद का नाम बताया था, क्योंकि रतन चंद के जो पापा थे उनका जो साम्राज्य था बड़ी मात्रा में फैल चुका था। अब वे करते तो क्या करते, क्योंकि इनकी यहाँ की व्यवस्था भी तो चलानी थी, यहाँ पैसा भी तो चाहिए था, तो पैसा कहाँ से ले आते, पैसा लाने के लिए उन्होंने क्या करा, पहला सेटलमेंट कर दिया, पहला भूमि बंदोबस्त करा चंद्रवंश के शासकों में रतन चंद के द्वारा करा गया। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, कल मैंने तुम्हें बताया था फिर गोरखियाँ हैं, तो गोरखे के अंदर जोगामल शाह जिसका मैंने तुम्हें नाम बताया था वो सूबेदार था, समझ आई बात है। मैंने कहा वो जो रणबहादुर शाह था ना, वो तो वहाँ बैठा रहता था वहाँ के जो नेपाल में, और वहाँ से ऑर्डर देता रहता था, तो जो गोरखे थे ना उन्होंने जबरदस्त मात्रा में अनाप शनाप करके टैक्स लगाए, मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं आती बिल्कुल भी, और उत्तराखंड के लोगों की अर्थव्यवस्था को उत्तराखंड के लोगों की अर्थव्यवस्था डगमगाई पूरी तरह, इनकी हालत खराब कर दी इन्होंने, इतने टैक्स लगाए, 200% तक टैक्स को बढ़ा के लेके चले गए। इनके बाद जो बची खुची कसर थी वो अंग्रेजों ने पूरी कर दी। अंग्रेजों ने मैंने तुम्हें बताया ना स्टार्टिंग में जब अंग्रेजों ने भूमि बंदोबस्त करा 1815 में, तो पहले यूँ समझ लो 50-25 हज़ार के आसपास टैक्स था, टैक्स कलेक्शन जितना भूमि तक इकट्ठा होता था, और यूँ जाकर बाद में 1.5 लाख तक हो गया लास्ट तक जाते जाते, जब तक 11वें नंबर का भूमि बंदोबस्त हुआ। अंग्रेजों के द्वारा टोटल 11 भूमि बंदोबस्त करे गए, 12वां करा गया आज़ादी के बाद 1960 में, समझ में आई बात यार, तो टोटल मिलाकर 12 भूमि बंदोबस्त हुए, समझ में आई बात यार, तो किसी किताब में 12 भी लिख रखा है अंग्रेजों ने 12 नहीं, आंसर 11 अंग्रेजों ने करे 11 टोटल उत्तराखंड में हुए 12 भूमि बंदोबस्त, वो जो अंग्रेजों के द्वारा करे गए। आज हम वही पढ़ रहे थे ठीक, तो वहाँ पढ़ते पढ़ते हम चले आए थे अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन सी क्या क्या काम करे गए थे, क्या करा था उन्होंने। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में कम ध्यान देना और कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा ध्यान देना। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितने भी काम की होगी मैंने बताया तुम बाद में जाकर किसी की भी यूट्यूब चैनल से जाकर 2-3 वीडियो लगा लो आराम से, आज यही लगाना तुम, और एक पेज लेकर बैठो पीछे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखते, अच्छा इसमें खास बात इसकी आती, इसकी खास बात ये होती, ये ज़्यादा पेपर में बार क्वेश्चन आ रखा है, पहले कंसेप्ट समझ लो। अगर तुम संजयत भूमि नहीं बता तो क्या करोगे तुम रट का फैक्ट वैक्ट का, इनका कोई फायदा नहीं है ना, समझने की बात है। चार लाइन बोल नहीं सकते, चार लाइन लिख नहीं सकते, तुम किसी काम के ही नहीं हो। फिर ब्रिटिश शासन में भूमि, अब ब्रिटिश शासन में जो भूमि थी ना वो दो भागों में बंटी हुई थी, एक तो ऐसी थी जो पर्वतीय क्षेत्रों की भूमि थी, उस पर्वतीय क्षेत्र की भूमि को मैंने पता क्या नाम दिया, वो जो भूमि थी बंजर भूमि, उसमें कुछ नहीं है घास वास ये सब उगे हुए वहाँ कुछ, देखो आसपास हमने कुछ आसपास तुम अपने गांव जहाँ तुम्हारा गांव है, ये तुम्हारा गांव जहाँ शहर में तुम बसे हुए, इससे थोड़ा दूरी पर जाओ आसपास चारों तरफ खेत मिलेंगे, अच्छा किस पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ गाँव के आसपास पहले खेत मिलेंगे, उससे खेत तो थोड़ा और दूर को जाओ ऐसी ज़मीन मिलेगी जो बंजर होगी, उसमें कुछ नहीं करते लोग, वह नहीं पता किसकी, ऐसा पहले भी था यूपी के समय में, यूपी जब हमारे यहाँ यूपी था ऐसा पहले भी था। तो उत्तराखंड जो अंग्रेज थे ना उन्होंने ऐसी भूमि जिसको किसी का शासन भी नहीं है, पता लग रहा है मैं हूँ ये मेरा घर है यहाँ से, पता लग मैं अंग्रेजी शासन में इस टाइम रह रहा हूँ यहाँ पे, समझ में आई बात है। तो जब अंग्रेजी शासन में रह रहा हूँ यहाँ से तो मैं यहाँ से चला गया, मेरी सारी संत जो मेरी संतान थी वो सब खत्म हो गया, आगे मेरा वंश आगे नहीं बढ़ पाया और ये पूरी की पूरी जो जमीन थी सारी बर्बाद हो गई। अंग्रेज पता क्या करते इस भूमि को, अभी मैं पहाड़ में तो नहीं रह रहा हूँ, अगर मैं पहाड़ पर रह रहा हूँ मान लो मैं पहाड़ पर रह रहा हूँ, इस पूरी जमीन को पता क्या अंग्रेज क्या करते थे, इसे उन्होंने कहते थे केसर हिंद भूमि या बंजर भूमि या केसर हिंद भूमि, इसे कहते हैं सरकारी भूमि होगी आज तक, तो इस पर किसी का कब्जा नहीं है, ये अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई थी, बात समझ में आई है ठीक। क्या कहा था बंजर भूमि, बंजर यूनियन इसमें कृषि नहीं हो सकती, अरे कृषि हो सके उसका कोई मालिक नहीं है, और जिसका कोई मालिक नहीं है उसका सरकार मालिक होगी, अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई है
पर्वतीय क्षेत्रों में केसर ए हिंद भूमि नाम दिया गया सर। बार बार मैं केसर ए हिंद भूमि यूज करूंगा, ये बंजर भूमि थी, जरूर नहीं है इसमें खेती नहीं हो सकती, इसमें सब हो सके, इसको कोई मालिक ही नहीं रहा। 10-12 साल हो गए भूमि में ऐसे पड़ी हुई है, 10-15 साल हो गए, समझ नहीं पाते इसका मालिक कौन हो जाएगा, सरकार, सरकार इसका मालिक हो जाएगी। 1893 में व्यवस्था लागू कर दी गई, 1893 में इसकी कभी माप नहीं करी गई, उस भूमि को कभी मापा ही नहीं गया, दुनिया की इसकी माप तोल करी गई, इतनी थी इतनी थी इतनी, मापा नहीं गया उस भूमि को, उस भूमि का नाम था केसर ए हिंद भूमि। तो बेनाप भूमि बोल रहा सर, कुछ किताबों में नाप मिलेगा बेनाप भूमि, बेनाप का मतलब जिसका माप नहीं गई, या पर्वतीय क्षेत्रों की बात चल रही है, पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी भूमि पड़ी होगी, जरूर होगी, होगी नहीं होगी कि जहाँ जिसकी कभी माप तोल हुई नहीं बिल्कुल भी, जिसे कभी मापा ही नहीं गया, तो उस भूमि को नाम दिया गया केसर ए हिंद। अच्छा, उसके बाद अगर चलते हैं, मैदानी क्षेत्रों में भी ऐसी भूमि होगी, होगी नहीं, अच्छा ऐसा तो केसर ए नाम दिया गया ऐसी भूमि, सरकारी भूमि, मैंने नाम दिया सरकारी भूमि, समझ आई बात, या उसे कह देते ये सरकारी वन क्षेत्र, चलो हटाओ सर, समझ आई बात, यहाँ कोई नहीं आने का, कहते नहीं हमारे गांव में मिलेगा ऐसा मैदानी में क्षेत्र में, पंचायती भाग जा पंचायत में चला गया, समझ आई बात, या उसमें उत्तर पहाड़ों में कह दो ये जिला संरक्षित वन क्षेत्र होगा भैया, इसका मतलब बंजर भूमि सरकार की वह भूमि, वह किसी की नहीं है। हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ पंचायती भाग नहीं आता हो तो गांव में यहाँ मिलेगा पंचायती भाग, वो पंचायती जो भाग था ना पंचायती वन भूमि, उस पंचायती भूमि को काट कर जीआईसी बनाया गया, वहां से बनाया नहीं गया जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गब्बर सिंह इंटर कॉलेज नहीं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। एक और मैदानों में उस भूमि पता क्या, आज आजकल इसे लेकर डिस्प्यूट उत्तराखंड में से लेकर विवाद छिड़ा हुआ, बहुत बढ़िया करके विवाद छिड़ा हुआ आजकल, मैदानी क्षेत्रों में ऐसी भूमि जिसका कोई मालिक ही नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक, और उस भूमि पर लोग अब जा रहना स्टार्ट कर दिया, पहले उसको कोई सरकारी मालिक थी, मैदानी क्षेत्रों में भी ऐसी भूमि रही होगी जिसका कोई मालिक नहीं रहा होगा, समझ नहीं पाते, अंग्रेजों ने ऐसी ऐसी भूमि को नाम दिया नजूल भूमि, नजूल, इसे लेकर डिस्प्यूट विवाद है, यहाँ से डोई वाले में लट पड़ रहे थे इनके सिर टट्टरों पर, नजूल भूमि, हल्द्वानी में भी ऐसा ही हुआ, उनकी बुरी बुरी बस्ती हटा रहे थे, या नजूल भूमि, नजूल भूमि को लेकर 2009 में उत्तराखंड की सरकार ने कानून बनाया, सुन लो कानून बनाया, पता क्या कहा, हम तुम्हें मालिकाना हक दे देंगे, तुम मुझे हम पैसे दे दो थोड़े से, इस जमीन पर तुम रह रहे हो, पहले यहाँ कोई नहीं रहा था, लोगों ने अपना अड्डा जमा लिया, वहाँ घर बनाने स्टार्ट कर दिए, उनके पास कागज भी नहीं है, सरकार आई बेटा कागज दिखा लाओ, सरसारी की पूरी पता लग रहा है, पूरी करोड़ बस रही है वहाँ तो, और उसमें कम 2500-3000 आदमी, हल्द्वानी में एक करी नहीं हुआ अभी कुछ दिन पहले ही, दिखाओ ना करे कानून दिखाओ ना करे, हमारे पास कागज दिया नहीं, हम तो यहाँ से बहुत पहले तैर आ रहे, और जब से रह रहे जब अंग्रेजों का टाइम था यहाँ से, हम तुम्हें कहेंगे कागज दिखा दे बताओ, उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सरकार ने कहा नजूल भूमि, नजूल भूमि, अच्छा नजूल भूमि में दिक्कत एक थी, क्या थी जो नजूल भूमि थी, दिक्कत एक थी या थी, इसमें 2009 में उत्तराखंड सरकार ने पॉलिसी बनाई है, बाद में जाकर जो पॉलिसी बनाई उसको रद्द भी कर दिया, हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया उस पर, समझ में आई बात, यार घर लेगा अभी कुछ किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्या तुम दूसरों घर बार करते फिरते हो, बुलडोजर लेकर कहीं भी चले जाओ, तुम बत्ते भी जाते हो यार एकदम, बुलडोजर पर तो कल परसों फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कल परसों फैसला दिया, उनको थोड़ा तमीज में रहा करो, चाहे कोई अपराधी भी हो उसने कुछ भी कर रखा, किसी घर में बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल परसों, समझ नहीं, इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं है। तो कितनी भूमि होगी, दो, एक तो नजूल भूमि होगी और एक केसर ए हिंद भूमि, केसर ए हिंद भूमि कहाँ मिलेगी, वह बंजर भूमि, ठीक, वह बंजर भूमि जिसका मालिक कौन है, सरकार, वह कहाँ होगी, पर्वतीय क्षेत्रों में, और नजूल भूमि कहाँ होगी, मैदानी क्षेत्रों में, ये सर नो आसपास तुम भी अपने यहाँ आसपास देख सकते हो, मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार और देहरादून वाले इलाके के आसपास, जहाँ भी मैदानी इलाका होगी ऋषिकेश वाला, कि जहाँ भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जहाँ सरकार जो सरकारी जमीन होगी बिल्कुल वह बंजर पड़ी वहाँ पर, खेर कहाँ से जोड़ो, अच्छा देखो इन लोकल एकदम तुरंत उदाहरण दे दिया ना, समझ में आई बात, ऐसी भूमि को हम नजूल भूमि बोल रहे हैं, नजूल भूमि, इनलीगल तरीके से लोग रहना स्टार्ट कर दे वहाँ, कभी भी गवर्नमेंट कागज मांग सको, याद रहेगी बात, तो नजूल भूमि के सर हिंदू समझ में आई, चलो ये भी सही है, चलो ये पढ़ने का ये तो फायदा हो, आगे चलो चलो चलो, अब दिक्कत पता क्या थी, ऐसी भूमि, अब सवाल पता क्या है, जो औपनिवेशिक सत्ता थी, जो अंग्रेजी सत्ता थी, अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी सरकार थी, वह पता टैक्स कैसे लेती थी, नुनिया की जो अंग्रेज के खुद के अधिकारी करते, भाई कुमाऊं कमिश्नर हो हमारा, उससे चाहिए टैक्स, टैक्स कहाँ था चाहिए, भूमि में तो चाहिए, अरे भाई भूमि में तो टैक्स लेना हो खुद जाए दूसरों घर में, उसने पता क्या करा, उसने एक जमींदार को बैठा दिया, और जमींदार को बैठा दिया, उन्होंने कहा तू टैक्स लेगा गाँव में से जाकर, प्रत्येक गाँव में तो आसपास जितने भी एरिया ना, पहले यहाँ परगने हुआ करते थे, 125 परगने थे, 11 परगने थे, 11 के आसपास, और 125 पट्टियाँ थी, कुमाऊं क्षेत्र में अलग परगने थे, परगने बहुत बड़ा क्षेत्र, जिस तरह बोलो तहसील को मिला था ना, इस तरह करके एक पूरी की पूरी तहसील बन गई, ऐसे ऐसे परगने हुआ करते थे, समझ नहीं बात, परगने और छोटे छोटे जिसे हम तुम गांव बोल रहे ऐसी ऐसी पट्टियाँ हुआ करती थी, तो परगनी और पट्टों में पट्टी में बटा हुआ था, पहले उत्तराखंड गढ़वाल का क्षेत्र भी और कुमाऊं का क्षेत्र भी, कुछ परगने कुमाऊं में थे, कुछ परगने ऐसे थे जो गढ़वाल के अंदर थे, परगना बड़ा हुआ करता था, जो पट्टियाँ थी वो छोटी हुआ करती थी, याद रहेगी बात, यह
तो वहां से जो अगर टैक्स लेकर आना हो तो अंग्रेजी सरकार के जो अधिकारी होंगे खुद जाएंगे, कुमाऊं का कमिश्नर रेमजे खुद जाएगा टैक्स लेने, ट्रेल खुद जाएगा टैक्स लेने जाओ, टैक्स लेने जाओ, जो विकेट है खुद जाएंगे टैक्स लेने, जो कुमाऊं के कमिश्नर खुद टैक्स तो लेने थोड़े जाएंगे। उसने सोचा एक काम होगा, अगर हमें तो बस पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा, एक काम करते हैं किसी जमींदार को नहीं, गांव में किसी एक व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और उसको बनाते हैं जमींदार, और वो जमींदार उनसे सबसे टैक्स ले लगा, हम तो बस जमींदार से टैक्स लेने जाएंगे। मैं अंग्रेजी अधिकारी हूँ, ये तो हमारा पूरा का पूरा गाँव हो, या मैंने ये मुझे लगा ये लड़की इन सब पर राज कर सके, थोड़ी अमीर भी है, मैंने कहा तो सबसे टैक्स लेके मुझे देना, मैंने तुम्हारे पास जाने का, मेरा तुमसे प्रत्यक्ष संवाद नहीं होने का, मेरा कॉन्टैक्ट इसके साथ होगा। अब यह अपने हिसाब से कानून बना गई, पता क्या क्या किया मैंने, सब मैंने इसका सेट फिक्स कर दिया, मैंने कहा मुझे ना 10 बोरी हर साल चाहिए चाहिए। अच्छा, इसे अपना कमीशन भी देख के गया, थर्ड तो पता कितनी ले रही है, थमें ही बात किया, मुझे तो 10 बोरी दे गया, दो 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 करके ऐसा ऐसा करके इसके घर में 20 बोरी होगी। इसने तुम्हारा शोषण करा, मैंने नहीं करा तुम्हारा शोषण, समझ बात, इस लड़की ने तुम्हारा शोषण करा, समझ भाई, ये जमींदार, यह जमींदारी व्यवस्था यहां तक प्रारंभ हो गई, जमींदारी व्यवस्था, और यह जमींदारी व्यवस्था आज तक तंग कर रही है। यह जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजों के टाइम पर बनाई गई थी, या उन्होंने जमींदार नियुक्त कर रखे थे, और यह जमींदारी व्यवस्था आज तक सरकार को तंग कर रही, समझ नहीं बात यह। आज भी हमारे गांव में कहीं ना कहीं तुम्हें जमींदार मिल जाएंगे, और उनकी मानसिकता यही है, हम तो जमींदार आदमी है, हम तो काश्तकार आदमी है। अरे भाई, कहीं का काश्तकार हो तुम, ठीक है, कानून बनाकर तुम्हें कब का समाप्त कर दिया गया, समझ में आई बात है। तो जमींदारी व्यवस्था आज तक लोग बड़ी आसान मान के साथ बताते हैं, मैं तो काश्तकार आदमी, घाड़ क्षेत्र बोलते काश्तकार, सही बात है, और जो ठीक ठाक क्षेत्र उसमें बोले काश्तकार, काश्त का मतलब किसान, किसान आदमी, गांव में कुछ लगभग किसान है, तो बड़े 300 बीघे के किसान है, 300 बीघे के किसान नहीं है, मैं जमीन हड़पू इंसान, सही बात है। अब हुआ क्या था, समझ लो क्या था, यो था किसान थे, जमींदारी व्यवस्था थी। अब जमींदारी व्यवस्था में पता क्या हुआ था, जो भी किसान टैक्स नहीं दे पाता था, तो जमींदार जो इनकी जमीन गिरवी रखवा लेता था, अपने कागज अपने पास रख लेता था, साइन करवा लेता था, जमीन जमीन इनके नाम हो जाती थी, होगी। यह व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही, ऐसा 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 करके जो जमींदार वो बहुत अमीर होते चले गए आज तक भी, और वे अमीर ही, और सारी जमीन ना लोगों को लगता था जमीन हमारे पास, लेकिन लोग तो जानकारी नहीं आती बिल्कुल भी, और सारी की सारी जमीन थी जो किसानों की, वो अपने नाम करवा ली गई। हर गांव में तुम्हें एक दो जमींदार पक्का मिलेगा, तुम एक दो जमींदार जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन है, आज भी देख लो व्यवस्था, ठीक। अब अंग्रेज तो चले गए और ये जमींदारी व्यवस्था ही धरी रहेगी, अंग्रेज तो चले गए ये जमींदारी व्यवस्था ही धरी रहेगी। अब भारत का संविधान बनाने वाले लोग थे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, इसे जमींदारी व्यवस्था को कैसे समाप्त करा जा, इसे तो पहले समाप्त करना पड़ेगा ना। इन्होंने देखा कागज उठा के, यार ये जो नाम लिखे हुए इसमें तो किसानों का तो नाम है ही नहीं, इसमें तो एक ही जमींदार का नाम है, सारी जमीन इसी के नाम, समस्या खड़ी होगी सरकार के सामने, खोपड़ी खराब होगी सरकार की, करो तो करो क्या। अब अंबेडकर के सामने समस्या, इसमें क्या लिखूं, अंबेडकर ने और कुछ संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया अंबेडकर ने भी। अंबेडकर ने क्या लिखा, अंबेडकर ने लिखा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होगा, ठीक। और यह और भी व्यवस्था खड़ी कर दी कि जमींदार और मजबूत होगा, नगेरा तो संविधान में लिखा, तुम तो मुझे छेड़ भी नहीं सकते। अनुच्छेद 31 में लिख रखा था क्या कि संपत्ति का अधिकार पूरा का पूरा मौलिक अधिकार होगा, वो तो भला हो बाद में जाकर हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार हटा दिया गया। देखो यहाँ संविधान लागू होने के बाद जमींदारी के उन्मूलन के लिए कुछ कार्यक्रम चला गए, जमींदारी जो व्यवस्था थी इसका खत्म किया जाना चाहिए, इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए, हटाओ से यार इस व्यवस्था को, इसने परेशान करके रख दिया था, समझना ही बात यार। तो फिर पता क्या हुआ, फिर हुए रिफॉर्म, और रिफॉर्म होना स्टार्ट हुए पता कहाँ से, रिफॉर्म हुए पूरे को पूरे देश के अंदर, ऐसी ऐसी व्यवस्था जैसी यहाँ से जमींदारी व्यवस्था पूरे देश में ही हो गया, पूरे देश में जमींदार हो गए। अब केंद्र सरकार के सामने समस्या, अब केंद्र सरकार के सामने समस्या, तो केंद्र सरकार करो तो करो क्या, क्योंकि सारी की सारी जमीन किसके पास, अब जा जमींदारों के पास, और जमींदारों के पास मतलब जो हो, और जमींदारी व्यवस्था में प्रत्येक गांव में एक जमींदार तुम्हें पक्का मिलेगा, अब इस जमींदारों को तुम हटाना भी, अब हटाओगे केंद्र सरकार जो कहेगी, केंद्र सरकार ने पता क्या करा, जो कह रहे एक काम करते हैं हम कानून बनाते हैं, ऐसा कानून बना दिया, उसने जो कानून बनाया भूमि सुधार अधिनियम बनाया जो, उसमें यूँ कह दिया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है ना वो मौलिक संपत्ति का अधिकार, वो मौलिक अधिकार तो पहले होने का नहीं, और 9वीं अनुसूची में बदलाव, 9वीं अनुसूची जोड़ी 1951 में, और यूँ कह दिया गया 9वीं अनुसूची में जोड़कर कि जो भूमि सुधार के कानून है ना इनकी बनाने की जो जिम्मेदारी होगी प्रत्येक राज्य की अलग अलग होगी। इसलिए आज भी तुम जाकर चेक करोगे ना प्रत्येक राज्य के अंदर भूमि को लेकर जो कानून बनाए गए हर राज्य का अलग, सही बात है। यहाँ एक बीघे एक एकड़ कितने बीघे के बराबर यूपी में अलग हिसाब, कानून भूमि को लेकर अलग अलग राज्य में अलग अलग हिसाब, क्योंकि वो संवर्ती बताओ कौन सी सूची का विषय, वो राज्य सूची का विषय होगा, जो भूमि है ना वो राज्य सूची का विषय होगा। ऐसे डाला गया था कब, 1951 में 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया गया था, और 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून डाल दिया जाना उसकी समीक्षा नहीं करी जा सकती,
ये बात मैंने तुम्हें बताया था, समझ आई बात है। 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाल दिया जा तो बहुत जटिल प्रावधान हो उसके अंदर, याद रहा ये बात है, ये कर रखा था। तो सरकार ने ना ऊपर केंद्र सरकार ने कानून, क्योंकि पंडित नेहरू की सरकार थी, जब पंडित नेहरू की सरकार थी उन्होंने क्या करा, कानून बनाए। जब कानून बनाए ना उन्होंने साफ कह दिया, यूं कहा कि जो ना प्रत्येक राज्य अपने अलग अलग कानून बनाएगा, जमींदार के साथ हम नहीं लड़ने जाने के, तुम खुद लड़ो, प्रत्येक राज्य अपने जमींदारों के साथ खुद लड़ो। तो यहाँ हम तो जहाँ उत्तराखंड तो बना 9 नवंबर 2000 में, लेकिन यहाँ पहले यूपी था, तो यूपी की सरकार ने कानून बनाया था। यहाँ से दोबारा सुन ले, ध्यान लगा कर तरीके से, प्रत्येक राज्य ने अपने कानून बनाए होंगे नहीं बनाएंगे, तो हम तो यूपी में आते थे ना पहले, तो यूपी की सरकार ने कानून बनाया होगा नहीं बनाया, बनाया था। देखो लोग कब कानून बनाया था यूपी की सरकार ने, क्यों बनाया था, ताकि जमींदारी व्यवस्था को खत्म करा जा सके। क्यों जमींदारी व्यवस्था किसानों का शोषण कर रही थी, क्यों, क्योंकि सारी की सारी जमीन इनके पास चली गई थी, और अब इस व्यवस्था को खत्म करना बहुत जरूरी था। तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो कानून बनाएगी उसमें जरूर नाम लिखेगी नहीं, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लिखेगी नहीं, तो लिख दिया उन्होंने। देखो संविधान लागू होने के बाद जमींदारी के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाए गए, सरकार का कार्यक्रम चले, उसके बाद यूपी सरकार के द्वारा बनाया गया कानून उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 और ये 50 था, 26 जनवरी 1951 को लागू हुआ है कानून। दोबारा भेज समझ लो, नाम समझ लो क्या इसका, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1951 बनाया गया कानून। अब इस कानून के अंदर जो बात लिखी जाएगी वो बड़े काम की होगी, कानून कम से 80 पेज का कानून ना सराहनी पढ़े करते, सही मंजना काम करी, जो हमारे काम की बात है जिस तरह समझ सको वो काम बात बता रहा हूँ तुमसे, सुनूंगा मैं क्या बताया मैंने तुम्हें, यहाँ से समझना अच्छे तरीके से। पहली बात तो 51 में लागू हुआ, नाम बताओ उसका क्या है, उत्तर प्रदेश, पता लग गया ना इसका, अभी उत्तराखंड नहीं बना है, अभी तुम उत्तराखंड के लिए संघर्ष कर रहे, भी यूपी वालों ने कानून बना दिया, और यूपी वालों ने कानून बनाया अपने यूपी के लिए बना दिया, दिक्कत खड़ी होगी, यूपी का कानून पहाड़ में थोड़ा लागू हो जाएगा भाई, पहाड़ वालों की समस्या मैदान वालों की समस्या अलग हो, समझ बात, इनके पास सुविधाएं हैं, उनके पास बेचारों की सुविधाएं भी नहीं है, उन्हें 5-5-10 किलोमीटर स्कूल भी वैसे जाना पड़े पैदल पैदल, वहां क्या, वहां रिक्शा वाला भी नहीं मिलता, ये दिक्कत है ना। ठीक, अब यहाँ प्रावधान क्या था, इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया, इसमें क्या कर रखा, देखे नहीं जमींदारों के पास क्या कर रखा था, जमींदारों के पास 100-150 बीघे जमीन होगी, इसमें साफ कह दिया गया किसी भी किसान के पास 13 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, 12.5 एकड़ लिखा होता शायद, 12.5 एकड़ यानी 13 एकड़ के ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, 1 एकड़ में कितने बीघे हो, 6, 13, 6, 78, 60-70 बीघे, अलग अलग जगह अलग अलग राज्य में अलग अलग हिसाब हो, 1 एकड़ में 20 बीघे हो शायद, 20, तो इसमें साफ मना कर दिया गया कि जो हो ना 13 एकड़ के आसपास, 13 एकड़ से किसी भी किसान पर ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। अब 13 एकड़ का मतलब 100 बीघे के आसपास मान लो, तो इससे ज्यादा अगर किसी पाई गई ना सरकार उसकी जमीन जब्त कर लेगी, सरकार मतलब कौन सी, उत्तर प्रदेश की सरकार, याद रहेगी बात, मैंने क्या बताया, क्या बताया मैंने, चलो बता क्या बनाया गया था, अनुमूलन नहीं उन्मूलन, 250 1950, उसके बाद क्या हुआ था, हाँ इस कानून को हम हदबंदी कहते हैं, हदबंदी, इससे ज्यादा नहीं हद करनी बिल्कुल भी, याद रखना बात है, समझ गया, बंदी लगा दी पूरी की पूरी, इससे ज्यादा हद नहीं करनी, कितनी, 13 एकड़ बस, 12.5 एकड़ के आसपास जो जमीन थी उन्होंने तय कर दिया, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, समझ नहीं बात है, लागू हुआ था 1951 में, प्रावधान कर रखे थे, बहुत सारे प्रावधान थे इसके अंदर, 80 पेज का पूरा सारा नहीं पड़े करते, उसमें जो काम की बात है जो हमारे उत्तराखंड के लिए काम की वो बताऊंगा सिर्फ, समझ गए, यहाँ देखो यहाँ प्रावधान क्या थे, 13 एकड़ जमीन, जमीन लिख रहा है ना हदबंदी, 13 एकड़ से जब ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, इसमें एक समस्या आती, जो जमींदार था ना, जमींदार था उसे 4 भागों में बांटा गया, और चारों के चारों नाम याद करने, जमींदार था 4 भागों में बांटा गया, ठीक, अब आओ समझते हैं जमींदार, अब जमींदार तो, अब जमींदार नहीं कहना कुछ, अब उसे भूमिधर कहेंगे, भूमि, अब जमींदार ने कहो जमींदार तो खत्म कर दिया, नाम ही इसका देखो जमींदारी उन्मूलन, अब गाँव में किसी को कोई जमींदार भी नहीं कहने का, यह बात कही गई थी, सही बात है, कोर्ट में कोई जब किसी को जमींदार नहीं कहने का, जमींदार कहकर उसका शोषण नहीं करवा रहा अपना, और जी जमींदार जी क्या हाल है जी, गाँव में लोग इस तरह बात करते थे, ये क्या बदतमीजी, तुम अपने शोषण को खुद बढ़ावा दे रहे, काहे का जमींदार हो, तुम्हारी जमीन हड़प रखी है ना, तुम अपने आसपास गाँव में देख करो जिसके पास, तुम अपने आसपास जो गांव में देखो ना जिसके पास, ऐसे मिलेंगे तुम्हें 20 लोग जिनके पास ज्यादा जमीन होगी, उनके पूर्वज पक्की बात कोई ना कोई एक जमींदार रहा होगा, ऐसे करो पहले जमींदारी इस पर थी, फिर जमींदारी इस पर हटकर गाँव में आएंगे, फिर इसके गाँव में आएंगे, देखो उन पर जाकर 70-70-80-80 बीघे जमीन है उन पर, तो उसने तुम्हारा ही तो शोषण करा है, जाओ उससे ले जमीन अपनी, और तुम्हारे पास 2 बीघे खूड भी नहीं है, मेरे पास 3 बीघे खूड भी नहीं है, उस पर भी केस चल रहा है, समझ में आएगी बात यह, चलो उसके बाद क्या हुआ, जमींदार जिसे भूमिघर कहते थे इसे 4 भागों में बांट लिया गया, एक था तो संक्रमणीय,
संक्रमणी है। यस, अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी इसकी भी, संक्रमणी भूमि कौन सी थी, संक्रमणी भूमिगर कौन था। यो ऐसा किसान था या ऐसा जमींदार था जो अपनी जमीन को बेच सकता था। याद रहेगी बात है, जो अपनी जमीन को बेच सकता था। और जमीन को मैंने तो बताया था अंग्रेजों ने कैसे बैठ रखा था, एक तो तलाऊ थी, एक इजराइन थी, एक और थी बीच में कौन सी, और उस तो पर्तन क्या नाम तो बताया था मैंने, उपराऊ भूमि। ऐसा करके चार पांच भागों में बांट रखा था इस भूमि को। एक बात मैंने कल अंग्रेजों ने बांटा था सर, समझ में आई बात। या तो जोन सी भूमि को बेचा जा करता था उसे संक्रमणी भूमिगर बोलते थे, और जिसे नहीं बेच सकते थे ना उसे असंक्रमणी बोलते थे। असंक्रमणीय एक थी हमारी पट्टेदार भूमि, सही बात, और एक थी हमारी आसामी भूमि। आसामी भूमि होगी, एक पट्टेदार भूमि होगी। ये भी कितने भागों में बांटते, चार भागों में। अब सोचेंगे यार आसामी भूमि क्या हो, ठीक, ये पट्टेदार भूमि क्या हो, पहले पट्टेदार समझ लो। आसामी भूमि उसे बोलते थे आसामी भूमि, जो क्या कहते हैं उसे, जैसा किसी के पास जमीन नहीं है, ठीक, कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा जमीन होगी, कुछ लोगों के पास जमीन नहीं आती, तो अंग्रेजों ने जमीनों को वितरण कर रखा था, जमीन को बांटने का काम करा था, समझ की बात। या बाद में जाकर एक जमीन और, एक कुछ छोटे छोटे जो पट्टे दिए गए, छोटे छोटे जमीन, ज़्यादा अंग्रेजों ने जो जमीन बांटी उस आसामी भूमि बोलते थे, आसामी भूमि, आसामी भूमि, इसकी नाप तोलनी हुआ करते थे, समझ बात है। मतलब ऐसी भूमि है बंजर टाइप की बिल्कुल भी है, ठीक। बाद में जाकर इसमें तो पट्टे कटे, हमारे पास एक पट्टा है इसमें, पट्टे कटे इसमें, जितने भी तुम दिखा दे रहे हैं ना ये मोटरी पढ़ाना हुआ, इनकी सबकी लाइन में वहाँ पट्टे कटे हुए, तीन तीन बीघे गए, ये थारी जमीन है, समझ बात या, ठीक। हाँ हाँ, सरकार ने पट्टे बांटे थे ऐसा करके। बस चार भागों, नाम पूछने पेपर में पूछना, घबराओ ना। तो कितने भागों में बांट रखा था, चार भागों, एक तो संक्रमणी भूमि होगी, असंक्रमणीय होगी, आसामी और पट्टेदार भूमि, पता लग चुका पूरा का पूरा। यूं बताओ ये कानून क्यों लगाया था, पता लगा, इस कानून का मेन मकसद पता लग गया, जमींदारी व्यवस्था को कानून उन्मूलन करना, इसका काम था, पता लग चुका। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब कहानी आगे चलती है, चलो अगले, चलो यूपी के कानून, उत्तराखंड के कानून, ये यूपी के लिए बनाया गया सारा। हो हम तो हरिद्वार वाले, हम तो सारे डायरेक्ट यूपी मारते थे, समझ यही बात। अब ये पहाड़ी के हिसाब से सोचो, ये कानून वहाँ थोड़े लागू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश उन्मूलन जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, ऐसे ऐसे जमींदार तो वहाँ पहाड़ों में भी होंगे, होंगे हाँ थे, तो वहाँ कैसे क्या करेंगे, तो वहाँ नहीं बनाया ये यूपी के कानून, वहाँ पहाड़ों में किसके लागू हो जाएंगे, गड़बड़ होगा मामला, दोबारा कानून बनाऊँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दोबारा फिर कानून बनाया, यूपी के कानून उत्तराखंड के क्षेत्र पर लागू नहीं होते थे, दूसरा एक्ट बनाया इन्होंने, जोनसार बाबर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1956, यहाँ तो 50 में बनाया, इसे 1956 बनाया, नाम देख लो क्या है, जोनसार बाबर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1956, 61 में लागू हुआ, 56 में बनाया गया, 61 में लागू हुआ, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, दूसरी पंचवर्षीय योजना की खास बात क्या है, उसमें उद्योग लगने स्टार्ट हुए थे, ए जोनसार बाबर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1956 कब लागू हुआ, पता क्या था, जोनसार बाबर तो देहरादून के आसपास का इलाका, देहरादून उत्तरकाशी हरिद्वार के आसपास का इलाका ही हो, और ये उधम सिंह नगर के आसपास का इलाका, तो फिर कुमाऊं के लिए क्या करना, कुमाऊं के लिए अलग एक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ की जो विधानसभा थी ना, वहाँ यहाँ की उत्तर प्रदेश की लखनऊ वाली विधानसभा में, वहाँ एक्ट पारित हुए, कानून पारित हुए, वहाँ कानून बनाए गए, गढ़वाल के लिए अलग बनाया, कुमाऊं के लिए अलग, तो गढ़वाल को उस टाइम पर गढ़वाल नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जोनसार भाबर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1956, ठीक। उसके बाद क्यों बनाया गया, पता लग गया क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि इस क्षेत्र के अंदर भी जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करा जा सके। जमींदारी व्यवस्था आम आदमी का और किसानों का भरपूर मात्रा में शोषण करती थी, सही है, अच्छा लिखना पड़ेगा भैया। उसके बाद कुमाऊं जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1960, कुमाऊं जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1960 ये बनाया गया, इसे कुजा एक्ट कहते हैं, कुजा, खुजानी, कुजा, कुजा एक्ट, कुजा नहीं, पूजा की शादी होगी, आगे चलो, ये क्या है, कुजा एक्ट, कुजा, कुत्ता नहीं है, कुमाऊं जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1960, क्या नाम है, कुजा एक्ट, कब लागू हुआ, 1961 में, बना कब, 60 में, ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस लो, अगस्त का मैं जिक्र करूंगा। खास बात क्या है इसकी, 1960 से लेकर जब ये लागू हुआ, इस अब तो हम आजाद हो चुके, उत्तराखंड तो नहीं बना भी, यूपी की सरकार ने कुजा एक्ट लागू कर दिया, यस, जब कुमाऊं के कमिश्नर आए थे 23-24 कमिश्नर, उनके द्वारा कुछ अच्छे काम करे गए थे, भूमि को लेकर सेटलमेंट करा गया था,
उन्होंने 11 भूमि बंदोबस्त करे थे, 12वां करा देखो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिसे 12वां भूमि बंदोबस्त कहते हैं। कई बार पूछा हुआ 12वां भूमि बंदोबस्त कब हुआ, तो आंसर 1960 में हुआ, और कुजा एक्ट बनाया गया था। और कुजा एक्ट में बता क्या क्या प्रावधान करे गए थे, आ जाओ समझाता हूँ तुम्हें। 60 से लेकर 64 देखिए, 64 के आसपास होगा, 60 से लेकर 64 के बीच में, क्योंकि इसकी धाराएं समय समय पर लागू होती रही। एक जब अधिनियम बनाया जाना तो उसमें 50-60-57 पन्ने इसमें कुछ एक्ट के बाद अंदर, जब 57 पन्नों को तुम पलट कर देखोगे उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई, और सारी बातों को एक साथ नहीं लागू कर सकते, धीरे धीरे करके लागू करो। जैसे हमारे यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या रखा है कि जो उत्तराखंड बोर्ड वाले बच्चों के जो पेपर होंगे वे एक साल में 2 बार होंगे। अब बताओ कहाँ कहाँ हो रहे उत्तराखंड में, हो रहे हो दोनों, लेकिन उनकी बातों को धीरे धीरे लागू करो। इसी तरह जो कुछ एक्ट, इसकी सारी बातों को एक साथ तो नहीं लागू कर सकते, तो धीरे धीरे लागू कर रहे थे, वो भी लगभग उन्होंने 3-4 साल लगे। अब पता क्या कहा गया था इसमें, यूँ कहा गया था अब जो यहाँ सेटलमेंट कर रहे हैं भूमि को लेकर, उस उत्तराखंड कुमाऊं वाले क्षेत्र के अंदर कुछ एक्ट जो बना रहे कुमाऊं वाले क्षेत्र के अंदर, 40 साल तक यही रहेगा, 40 साल के बाद बदलेंगे नियम कानून को, समझ बात है, बदलना जरूरी। अंग्रेजी थे बढ़िया थे, कुमाऊं के क्षेत्र के अंदर जो हम जो कुजा एक्ट बनाकर जो हम काम कर रहे हैं, 40 साल बाद हम सेटलमेंट करेंगे भूमि का, समझ बात है, फिर देखेंगे वहां तक टैक्स कैसे लेना, कितना लेना, समझ बात है, कितना भूमि को कैसे सेटलमेंट करना, कितना पैसा आना चाहिए, सरकार पैसे कमाती है भूमि तब भी, समझ में आई बात है, पता लग गया। चलो कुजा एक्ट, तो कुजा एक्ट के अंदर बहुत सारी बातें लिख रखी थी नुनिया की, जमींदारी खत्म करने के लिए आया था, जमींदारी तो एक पक्ष हो सकता, सारी बातें लिखी हुई थी इसमें जो कुमाऊं भूमि से संबंधित होगी इस कुजा एक्ट के अंदर। कौन सा एक्ट है वो, पूजा नहीं, पूजा की शादी होगी यार, कुजा कुत्ता नहीं है, कुजा है, पता लगे इसे कौन सा भूमि बंदोबस्त कहते हैं, 12वां भूमि बंदोबस्त, 60 से लेकर 64 तक, कितने सालों के लिए, 64 में 40 जोड़ लो, लगभग 2004 के आसपास बैठेगा। तो जो सेटलमेंट होना था ना, अगला सेटलमेंट वो 2004 में होना था, और 2004 में तो उत्तराखंड बन चुका, अब तक कोई सेटलमेंट नहीं हुआ उत्तराखंड में, कोई भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ, कोई नया कानून नहीं है, उत्तराखंड के लोग आवाज़ उठाते उठाते मर गए। कांग्रेस की सरकार आई वह निकम्मी, बीजेपी सरकार आई वह निकम्मी, लेकिन इन्होंने भूमि का सेटलमेंट नहीं कर पाए अब तक भी ना, बिल्कुल भी, बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। और जरूरी ना सेटलमेंट ही हो, यस बहुत जरूरी है, 40 साल तो तुम 40 क्या आप तो ज़्यादा मान लो, 20 और जोड़ लो उसमें, 40 और 20 कितने होंगे, 60 साल तो तुम एक ही व्यवस्था बनाए हुए, बदतमीज आदमी हो तुम तमीज नहीं है यार, कुछ तो बदलो, कानून बदलने की यहाँ जरूरत है। बदल पता क्यों नहीं रहे, कारण पता क्या, पॉलिटिक्स, जरा सा भी छेड़ दिया ना था किसी को उसकी सरकार तुरंत जागी। और इसके चक्कर में क्या करते हैं, भूमि को जो भूमि है ना, कुछ लोग आज भी ऐसे मौजूद है उनके पास इतनी भूमि बहुत ज़्यादा मात्रा में, यह भूमि होनी चाहिए बिल्कुल भी, इसीलिए सेटलमेंट बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, जिस आदमी के घर में एक ही व्यक्ति है, एक ही लड़का, उस पर 200 बीघे धरती कर क्या रही, इनकी हिम्मत नहीं है ना, छेड़ के दिखाओ पता लग जाएगा ना, छेड़ देने को भी, लेकिन जरूरी है क्योंकि संसाधनों का समुचित तौर पर वितरण होना चाहिए, छेड़ को दिखाओ, मेरी सरकार आगे जो बनाऊंगा देखो, सही बात है। क्या लिखा हुआ, डीपीएससी भारतीय संविधान के अंदर जो राज्य के नीति निर्देश तत्व, क्या लिखा हुआ, संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, संसाधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण कैसे होगा संसाधनों का, अरे भाई ऐसे ही तो होगा, करो सेटलमेंट भूमि का, समझ में आई बात है। अभी देखो आजकल लेटेस्ट क्या मुद्दे छाए रहते हैं, एक हो चकबंदी, पता चकबंदी क्या हो, और समझते चकबंदी भी क्या हो, चकबंदी होने वाली उत्तराखंड में, याद रखना बात है, चकबंदी क्या हो, चकबंदी इस चीज को कहते हैं, पता लग गया मैं हूं, जब अंग्रेजों ने जो हो भूमि का वितरण करा था, जब भूमि बांटी थी तो पता उन्होंने क्या, अंग्रेजों ने बांटी हो, जिससे पहले सरकारों ने बांटी हो, जो भूमि बांटी थी, मैं हूं, हमारा एक खेत तो इधर होगा यहाँ से, यहाँ जी बिल्कुल रोड पर, जीटी रोड पर हमारा खेत, उसकी 90 लाख रुपए के आसपास इनकम है उसकी, 1 करोड़ रुपए का पूरा पूरा खेत हमारा, 1-2 करोड़ रुपए के आसपास उनकी इनकम, एक खेत मेरा उधर होगा वहाँ नदी की तरफ, 2 हो गए, एक मेरा उस पिछली तरफ, कितने खेत हो गए मेरे, 3 खेत हो गए यार, मैं 3 खेत, और मुझे कभी यहाँ ट्रैक्टर लेकर यहाँ जाना पड़ेगा, कभी मुझे ट्रैक्टर लेकर यहाँ जाना पड़ेगा, कभी ट्रैक्टर लेकर यहाँ जाना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, सरकार को कुछ ऐसा काम करना पड़े, एक चक मेरा मासी, एक चक ही हो रहा, एक चक इधर होगा, कितने चक होगा मेरे, 3, मैं कह रहा हूँ सरकार को, यार सरकार तुम एक काम करो, 3-3 बीघे के तुमने मुझे 3 चक दे रखे, एक काम करो, इस 3 बीघे के चक के 3 किया 9 बीघे का सीधा चक दे दो मुझे, एक जगह मेरा ट्रैक्टर में सारा तेल वेल लग जाएगा, मेरे लिए सुविधा हो जाएगी, चकबंदी। उसने कहा ठीक है, तुम चक को बंद कर देते हैं, एक चक हो रहा, एक चक हो रहा, एक चक हो गया, चक को तुम बंद कर देते हैं, तुम्हारा चक एक तरफ तक बंद कर देते हैं, एक नई जमीन देते हैं तुम, चक बंदी कर देते हैं, क्या कर देते हैं,
कर दी चकबंदी। उसने मैंने कहा सरकार यार मुझे तो फायदा हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ सोनू जी तुम्हें बिल्कुल फायदा हो जाएगा, क्यों नहीं फायदा होगा तुम्हें, अब ट्रैक्टर एक ही जगह लेकर जाना पड़ेगा, तुम बीज भी तुम्हें एक जगह लेने जाना पड़ेगा, मजदूर तुम्हारे आना करने नहीं करने के बीच बिल्कुल भी। मैंने कहा यार सुविधा तो है मुझे, मैंने कहा चकबंदी करो। नु कह रहे सोनू जी इसमें दिक्कत एक। मैंने कहा क्या है दिक्कत बताओ। नु कह रहे इसमें ना दिक्कत यह कि जो हो अब तुम्हारी जो जमीन थी रोड वाली उसकी कीमत कितनी थी, 2 करोड़ रुपए। सोनू जी जो हमने तुम्हें जमीन दी ना पीछे उसकी कीमत 10 लाख रुपए भी नहीं है, क्योंकि वो रोड के पास ही नहीं है। ये दिक्कत चकबंदी में दिक्कत, अब लोगों की अभी दिक्कत रहा है, और सरकार के पास समस्या आएगी, उस जमीन की कीमत निकालनी पड़ेगी, जितनी भी मेरी जमीन की देना टोटल उनकी सबकी कीमत निकालनी पड़ेगी, और कीमत निकालने के बाद और फिर मुझे वह जमीन देनी पड़ेगी जितनी मेरी तीनों की मिलाकर कीमत बैठ रही थी, ऐसी जगह मुझे जमीन चाहिए, और ये बहुत कठिन काम था। अब तक उत्तराखंड में कोई चकबंदी का अधिनियम नहीं आया, एक अधिनियम था 2016 में उत्तराखंड चकबंदी अधिनियम, जब तुम्हारा उत्तराखंड बनाया, पहले भी आते रहे, यूपी में आ गया था 1958 में चकबंदी अधिनियम आया था, यहाँ आ रहा हमारे पास उत्तराखंड में 2016 में, समझ बात यह। लेकिन जो 2016 में आगा ना ये पूरे उत्तराखंड में लागू होगा, एक नियमावली भी बना लिया हमने 2021 में बनाई, पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी जोत से संबंधित जो भूमि नियम है उनकी एक नियमावली तैयार कर दी हमने 2021 में, अब तक लेकिन लागू नहीं हुई, समझ बात यह। लागू करना बड़ा कठिन काम, उदंड मचा जाएगा पूरे उत्तराखंड में, ठीक क्या। तो अच्छा काम करेगी सरकार, कुछ ऐसा कुछ प्रावधान डाल लेगी उसके अंदर सरकार को, सारा काम तो यहाँ पॉलिटिकल हो, सब टोटल ए टू जेड, चुनाव आने वाले होंगे भर्ती तब निकलेगी, अभी देखो उत्तराखंड में शून्यता की स्थिति छाई हुई नहीं, सही बात है, चुनाव आ जा कल को भर्ती आ जाएगी और भरमार मात्रा में निकलेगी। इसे कह छात्रों के भविष्य का राजनीतिकरण हो यहाँ, समझ गए, और सारे मिनिस्टर करप्ट टोटल जितने भी है सबकी संपत्ति बाहर, आय से अधिक संपत्ति सबकी टोटल बाहर, किसी को नहीं पता लगाने का, तुम सबके बैंक भरे हुए, सबका पैसा स्विस बैंक में, तो बहुत निगम में यहाँ के नेता याद रख रहा बात, इन्होंने तो बर्बाद कर दिया उत्तराखंड को। तो चकबंदी को लेकर ना उत्तराखंड में चकबंदी को लेकर आंदोलन चले थे 1981 के आसपास, पौड़ी का एक व्यक्ति था काजी खाल पड़ा वहां से एक, समझ बात, वहां का रहने वाला व्यक्ति था गणेश गरीब नाम था उसका, समझ बात, चकनंदी का जो चकबंदी है ना उसे लेकर उसने एक पूरी इंस्टीट्यूशन बनाया, संस्था बनाई, लोगों को इकट्ठा करा आसपास के, यार देखो चकबंदी कितनी जरूरी चीज हो, चकबंदी होनी चाहिए, मैंने बताया तुम्हें चकबंदी का फायदा तो है ठीक। लेकिन 1981 में डिमांड उठी थी इसके, गणेश गरीब का नाम तुम्हें याद रखना, गणेश गरीब पौड़ी का रहने वाला व्यक्ति था, समझने की बात है, इन्हें पूरी इंस्टीट्यूशन बनाया, संस्था बनाई पूरी की पूरी इसी चीज को लेकर कि यार यहाँ चकबंदी होनी चाहिए, मैंने तुम बताया चकबंदी का कितना फायदा, लेकिन सरकार के सामने समस्या बस यही है, सही बात है, लोग अन्ना कान नहीं करते हैं। मान लो मेरी जमीन यहाँ रोडपति, अगर मुझे पीछे दे दी गई जमीन नुकसान नहीं हो जाएगा मुझे, इसलिए सरकार डरती है इन सब चीज़ों से, समझने की बात है, क्योंकि सारे लोगों के पास जमीन और सारे लोग सारा वोट बैंक नहीं छिटक जाएगा, तुरंत वोट बैंक छिटक जाएगा, सारी चीज़ पर राजनीति हो यहाँ, बहुत कमी है यहाँ के लोग, सही बात, यहाँ की चीज़ बारे में उत्तराखंड के बारे में सोचता ही नहीं कोई, यहाँ की स्थिति अस्त व्यस्त। आज बताओ रिसेंटली क्या मुद्दा चल रहा, रिसेंटली भी देखो उत्तराखंड चकबंदी अधिनियम 2016 आया, फिर 2021 में नियमावली आई, नियमावली क्या हो पूरी की पूरी एक रूल लिस्ट निकाल दी गई, लेकिन हो सकता लागू हो जाए, 1-2 साल के अंदर लागू हो सकती है, ठीक जरूरी याद रखना बात, यह इसमें दिक्कत नहीं है। आजकल पता क्या है, एक तो चलो चकबंदी वाले अधिनियम तक हो गया अंत तक, अब एक भू कानून उत्तराखंड में जब से बना 2000 से लेकर यहाँ भू कानून कितने बने, भूमि को लेकर कौन से कानून बने हुए, बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ जमीन खरीदते चला जा रहा, बहुत बड़ी समस्या होगी वर्तमान समय में उत्तराखंड के सामने। उत्तराखंड ना अपनी जो संस्कृति है, जो यहाँ की विरासत है, संस्कृति बोलते कल्चर है यहाँ का यार, वो जो पहाड़ी लोग हैं उनका एक अलग प्रकार का कल्चर है, खोता जा रहा धीरे धीरे, जो पर्वत था वो प्लेन में बदलता चला जा रहा है, उनकी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है, अब पता कहाँ चली गई यार, गर्त में चली गई, मेरियाना ट्रेंच वाले ग्रंथ में दुनिया का सबसे गहरे गड्ढे में चली गई संस्कृति, क्यों चली गई मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि उत्तराखंड का जो कृषि विभाग, कृषि डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसकी खुद की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैं हूँ कौन कहने वाला, देख लो क्या कह रही है रिपोर्ट, उत्तराखंड में कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कृषि भूमि 12 साल में 17% घट रही है, 12 साल में 17% घट गई है, यानी इसका मतलब पहले हम 100 बीघे पर धरती करते थे, 100 में 17 घटा दो कितना बच जाएगा, 100 में 17 घटा के 86%, अब हम 86% भाग भूमि करते हैं, यानी जो कृषि योग्य जो भूमि जहाँ पहले खेत थे वहाँ खेत नहीं है यार, वहाँ बिल्डिंग बन चुकी है यार, तुम अब देखो ना अपने घर के बाहर निकल के देखो ना क्या हो रहा है वहाँ से, वहाँ घर घर अब जाए, जहाँ खेती चल रही थी वहाँ घर अब जाए, इधर जाकर डीपीएस बन गया हमारे यहाँ से जाकर, खेत थे वहाँ कभी किसी जमाने में। उत्तराखंड के अंदर जो कृषि भूमि है उसका आकार लगातार घटता चला जा रहा, ये समस्या अभी तो यहाँ की बात बता रहा हूँ, पहाड़ों की भी बात बता रहा हूँ तुम्हें, समझ में आई बात यार,
पता लग गया। अब उत्तर लिखोगे ना तो कैसे लिखोगे उत्तर, ये लिखोगे उत्तराखंड कृषि से रिलेटेड कुछ भी आ जा, उत्तराखंड कृषि विभाग के अनुसार कृषि, ऐसे लिखो उत्तराखंड कृषि विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि भूमि, कृषि भूमि पिछले 12 सालों में 11 से लेकर 2022-23 तक 11 सालों में 17% घट गई है। इस रिपोर्ट को लिखोगे ना आंसर राइटिंग में सबसे पहले, तो ये समझो सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा, तुरंत उसके दिल पर झटका लगेगा क्योंकि इन्हें पढ़ी ही नहीं चीज़ें। तो जब भी आंसर राइटिंग करनी हो तो उसका जो इंट्रोडक्शन पहले तैयार करके रखा जा, और भी आंकड़े देंगे उसे। आ जाओ तुम लेके चलता हूँ, ये कृषि है जो कृषि का वर्ष लिखा हुआ पूरा का पूरा। तो हमारे जो अर्थव्यवस्था उसके तीन क्षेत्र हो, एक हो प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र, एक तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मुख्य रूप से सारा कृषि से रिलेटेड काम आएगा। और कृषि के तुम्हें कुछ आंकड़े देता हूँ, देख लो कृषि का आंकड़े। 2001 में जब उत्तराखंड बना था, ताजा पैदा हुआ था, तो 30% के आसपास प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था, 30% के आसपास प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था, इतने परसेंट लोग कृषि में कार्यरत थे। अब यहाँ देखो क्या हो रहा, 9%, 30% के आसपास लोग कृषि में कार्यरत थे। ये देखो क्या हो रहा, प्राथमिक क्षेत्र हाल देखियो गिर गया, नहीं गया कितना, 9% के आसपास लोग कृषि कार्य कर रहे। कारण क्या हो रहा, पूरा का पूरा औद्योगिकरण बढ़ता चला जा रहा, यस तेजी के साथ औद्योगिकरण पैर पसार रहा। यहां देखो सेकेंडरी सेक्टर, वो उसमें कितने परसेंट लोग काम कर रहे थे, 18% के आसपास। अब देखो क्या है, 46% के आसपास इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गया। औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र कौन सा, औद्योगिक क्षेत्र कंपनियां सिडकुल ये लगते चले जा रहे। कैसे लगाया, कृषि भूमि को काट कर पूरा का पूरा कंपनी लगा कर उसको परिवर्तित कर दिया गया, नुकसान है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं डेवलपमेंट भी है, समझ की बात है, और सरकार इस पर ध्यान दे रही है द्वितीयक क्षेत्र पर। लेकिन कृषि का हाल तो देखो, जिसे किसी जमाने में तुम रीढ़ की हड्डी काटते थे, देखो 30%, अब देखो कितना 9%, कुछ दिनों बाद भूखे मरेंगे, सही बात है। खेत तो खत्म कर दिया ना, खाओगे क्या, जब तुम इतना डेवलपमेंट करते चले जाओगे खाओगे क्या, समझ नहीं बात है। ये ऑफिस में बैठ कर ना कुछ दिनों बाद प्लास्टिक वाले चावल खा रहे होंगे चाइना वालों की तरह, सही बात है, इतनी बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी, ठीक। प्लास्टिक वाले चावल, प्लास्टिक के चावल हो, यूट्यूब पर जाकर सर्च करो, उनका डाइजेशन भी हो, इतनी बुरी हालत हो जाएगी, जमीन ही नहीं है ना, कुछ दिन बाद ये भी हालत हो जाएगा। इंटरव्यू में सवाल पूछोगे, आप देखिए बात यार, समझ में एक बात है, रिपोर्ट कोड कर दिया अंतर करते हुए कि सर 2011 में जहाँ जो प्राथमिक क्षेत्र उसमें जो उत्तराखंड के अंदर जो कृषि क्षेत्र में लोग कार्यरत थे उनका आंकड़ा 30% था, वो घटकर 22-23 तक 9% के आसपास रह गया, ये सर नो पता लग गया। तो ये संवेदनशील डाटा, चार लाइन का तुम, पांच लाइन है, चार लाइन का लास्ट में जाकर पेज के एक जबरदस्त इंट्रोडक्शन पहले लिख कर रख देना, समझ आई बात। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी हो आराम से कोड करो, बड़े प्यार के साथ धूमधाम से लिखोगे। जब भी मेंस लिखा जा तो उसमें आंसर राइटिंग कोई भी चीज़ हो उसका टॉपिक का पहले तैयार कर रखा जा पहले ही, और उसको बार बार रिपीट रिवीजन करा जा। ग्रुप सी से ज़्यादा आसान हो PCS निकालना, समझ आई बात है, अगर रास्ता पता हुआ हो तो PCS निकालना, IAS निकालना ज़्यादा आसान हो, उसमें भीड़ कम हो, उसमें क्या है मिसगाइड बहुत ज़्यादा लोग, टाइम चाहिए थोड़ा सा, बैठना पड़ा 10-12 घंटे तमीज से हो समो। चलो इतनी बात बताओ समझ में आई, आगे चलते हैं अपनी कहानी को लेकर। उत्तराखंड बनने के बाद क्या हुआ, उत्तराखंड बनने के बाद पता क्या हुआ, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम, ये देखिए हाँ बना रखा था कानून, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, यही तो हमारे उत्तराखंड पर लागू हो रहे थे, संशोधन कर दिया समा, पता किसने करा, नारायण दत्त तिवारी ने, देखो 2003 में संशोधन कर दिया उस वाले कानून में, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम यही हमारे पर लागू हो रहा तक, इसको हमने कोई नया कानून थोड़े बनाया, 2003 में हमने इसमें संशोधन कर दिया। अब संशोधन क्या कर दिया हमने, यहाँ दिक्कत और थी, मैंने बताया आंकड़े दिए ना मैंने तुमको, आंकड़े इसलिए दिए बाहर के लोग आके जमीन खरीद रहे हैं यहाँ से, और जमीन खरीद रहे धूमधाम मात्रा में जमीन खरीद रहे, अरे भाई तुम जमीन खरीदोगे 100-100 बीघे जमीन खरीद ली, 150-150 बीघे जमीन खरीद ली, यही के सर्टिफिकेट बनवा लिया तुमने, गड़बड़ होगा मामला, गड़बड़ कैसे होगा, नारायण दत्त तिवारी सरकार आई उसने साफ साफ कह दिया, नारायण दत्त तिवारी उन्होंने साफ साफ कह दिया 2003 में उस कानून में संशोधन करा उत्तर प्रदेश वाले में, और साफ साफ पता क्या कहा, कोई भी व्यक्ति जो बाहर का व्यक्ति 500 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा की जमीन नहीं खरीद सकता, सोच लो 500 मीटर स्क्वायर कितना बैठा का पूरा का पूरा एक चक, समझ नहीं बात, एक लिमिट तय कर दी पूरी की पूरी, समझ नहीं बात, जैसे इन्होंने तय कर रखी हिमाचल प्रदेश वालों ने, उत्तराखंड को हमेशा डिमांड चलती रही, आज भी डिमांड चल रही है, इसे 371 में डाल लो, अनुच्छेद 371 में जिसे डाल दिया ना उसके पास स्पेशल प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में डाल दो सर, उससे क्या होगा स्पेशल प्रावधानों, कुछ स्पेशल प्रावधानों में जाकर पढ़ो जाकर तभी इससे, सिक्किम को उसमें डाल लगा, कर्नाटक को डाल लगा, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र को, तो बहुत सारे राज्य उसमें डाल रखे अनुच्छेद 371, दिस इज योर होमवर्क, आज पढ़ना तुम कॉपी बन काम लिखो फटाफट, अनुच्छेद 371 की क्या क्या विशेषताएं, काम लिखो फटाफट इतनी स्पीड, अनुच्छेद 371 पढ़ो,
आ जाओ इधर देखो, पता लग गया ना, नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी, उन्होंने पता क्या करा, उन्होंने 500 मीटर तक के स्क्वायर की जमीन खरीदने पर रोक ली। 500 मीटर स्क्वायर से कोई भी ज्यादा उत्तराखंड में आकर जमीन नहीं खरीद सकता, कोई भी भारी लोग हो चाहे बाहर का व्यक्ति। हाँ, डर किस बात का था? अच्छा एक बात बताओ, अगर एक नारायण दत्त तिवारी की सरकार संस्कृति बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको डिनाई कर रही है ना, उद्योग भी तो लगने जरूरी हो। ठीक, अगली सरकार आई भुवन चंद खंडूरी की, क्योंकि बाहर का इन्वेस्टर यहाँ आ ही नहीं रहा था, उसके लिए जमीन खरीदना, मक्कल को मुझे कंपनी लगानी और कंपनी लगानी 1000 मीटर स्क्वायर के एरिया में, मैं तो बड़ी कंपनी लगा ही नहीं सकता यहाँ से, समस्या नहीं खड़ी होगी मेरे सामने, समस्या खड़ी। और एक तरफ संस्कृति खड़ी, अब एक तरफ संस्कृति खड़ी, एक तरफ उद्योग खड़े हुए, संस्कृति और उद्योग दोनों एक सामने एक दूसरे के सामने मुंह बाए खड़े हुए। अब बताओ तुम्हारे सामने डिबेट चलेगी? आज तक उत्तराखंड में डिबेट आया, एक तो संस्कृति खड़ी, इधर संस्कृति उत्तराखंड की, इधर उद्योग भी, उत्तराखंड का विकास करना तो उद्योग लगाना जरूरी और संस्कृति को बचाना जरूरी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उत्तराखंड का उद्योग भी लगाना चाहिए और संस्कृति भी बच जा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? यही पीसीएस, यही पीसीएस, यही तो पीसीएस, तभी तो तुम अधिकारी बनाया जाएगा। ये सवाल पूछा का बताओ, चलो बता सको, है किसी के पास कोई उपाय बता? क्या ईपीआई, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन असेसमेंट, अच्छा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। तो सबसे बड़ी खास बात है, जैसे केंद्र सरकार ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन बना रखा ना, वो करना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तो पर्यावरण को बचाना है ना, बात संस्कृति की चल रही, संस्कृति को बचाना और उद्योग को भी प्रमोट करना, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। एक तरफ तो यूँ कह रहे हो मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ यहाँ कंपनी भी नहीं लगने दे रहे, समझ बात यहाँ। अब सरकार के भी तो सिर में दर्द है ना भाई, सरकार के अधिकारी हो, मैं कल को अधिकारी बनूंगा तो मुझे कैसे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देना? तो रोजगार तो तभी मिलेगा जब यहाँ उद्योग लगाऊंगा, और उद्योग लगाने की मने कर रहे, और उद्योग लगाएगा तो 1000 मीटर स्क्वायर की जमीन चाहिए, और सरकार ने कानून बनाकर 2003 में क्या लिख दिया, 500 मीटर स्क्वायर की तुम जमीन नहीं खरीद सकते, तो या तो लग गई लंका, समझ बात यह। आई भुवन चंद खंडूरी की सरकार, योरी 2007 में भुवन चंद खंडूरी सरकार, तो कह रहे ना ना ठीक, तो कह रहे ये तो ज्यादा होगा, ज्यादा हो रहा है, एक कर तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी लगा देंगे, इन्होंने और भी कम कर दिया 250 मीटर स्क्वायर। जैसे जिनने कम करा होगा पक्का संस्कृति का भक्त होगा, उत्तराखंड की संस्कृति का भक्त होगा, हाँ उत्तराखंड की संस्कृति के भक्त हैं, 250 मीटर स्क्वायर कर दिया 2007 में। अब 2018 चला, 2018 में चाहे चचा कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और त्रिवेंद्र सिंह रावत का जब भी नाम आ जाए उत्तराखंड के युवाओं का खून फूक जाए तुरंत, सही बात है। आई क्यों गया, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है ना, इनकी सरकार आई, इनकी सरकार ने पता क्या कराया, मैं कह रहा कोई संस्कृति नहीं, बाढ़ में जाओ उद्योग लगा कहाँ से, सारी लिमिट हटा दी, सब टोटल लिमिट हटा दी। मैं कह रहा कोई थी कौन हो तुम? जी मैं मास्कोटी का हूँ। मैं कह रहा बिना रोक ठोक क्या हो, बिना परमिशन क्या हो, पूरे उत्तराखंड में चाहे कंपनी लगाओ, जहाँ जो करना करो, पहाड़ को काट कर कंपनी लगाओ, ये करो वो करो, जहाँ उद्योग लगाना लगाओ। त्रिवेंद्र सिंह रावत 2018 में इसी बात की आलोचना हो रही, वर्तमान समय में इसी बात को लेकर डिबेट, आजकल भी पंगे चल रही, उत्तराखंड चल रहा है पता क्या, कि हाँ वही बसेगा जाकर, यहाँ पता लगा ना भू कानून कैसे कैसे बना रखे। अब यहाँ क्यों सबमिट कराए इन्होंने, इन्वेस्टर सबमिट करा 2018 में, मोदी जी भी आए थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बैठे थे, सही इन्वेस्टर समिट, इनका मानना सरकार का क्या मानना, सरकार का पक्ष कि अगर हम इस तरह इस लिमिट को हटा देंगे, ये जमीन खरीदने वाली जो लिमिट थी 250 मीटर स्क्वायर की, इसका बेनिफिट ये होगा हमारे यहाँ उत्तराखंड की तरफ ना इन्वेस्टर आकर्षित होगा। सही बात है, गलत बात नहीं है, तुम्हें इसका सपोर्ट करना पड़ेगा, अगर पेपर में तुम नाम देना ज्यादा उत्तराखंड को बचाने के चक्कर में ना जाइए, समझ नहीं बात है, ये तो नंबर काट लेगा। ठीक, अब दोनों चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हें कि सरकार का यो पक्ष और उत्तराखंड के लोगों का यो पक्ष। अब उत्तराखंड क्रांति दल वाले बेचारे, समझ नहीं बात यह, इनका क्या मानना, इनका साफ मानना नहीं कल्चर को प्रमोट करना, भारी लोगों को आने नहीं देना। अच्छा भारी लोग, दिक्कत पता क्या है, दिक्कत यह बाहर के लोग आ गए, कंपनी लगाएंगे जी, ये क्या कहें नकली डॉक्यूमेंट बनवाने लगे, फिर उत्तराखंड का जो कोटा था नहीं सरकारी नौकरी में ही भर्ती हो जाएगी, समझ आए बात यह, ये आधे लोगों की दिक्कत या प्रॉब्लम। अब यहाँ सरकार क्या कह रही, सरकार कह रही सरकार कह रही 9 नवंबर 2000 के बाद जो व्यक्ति यहाँ आया, 9 नवंबर 2000 के बाद जो व्यक्ति इस एरिया में रह रहा, ठीक उसका जो डोमिसाइल है, नाम जानते हो, मूल निवास है, वो वैलिड होगा। लेकिन यहाँ उत्तराखंड के लोग पता क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हम उस उत्तराखंड का मानेंगे जो 1950 तक रह रहा है, यहाँ पता लग रहा है कोई 1998 में आकर बसा है यहाँ से। उत्तराखंड के लोगों की डिमांड सुन लो क्या है,
आंदोलन करते रहे। उत्तराखंड के लोग भी कह रहे सुनो सरकार, सुनो धामी जी, उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल वाले या आसपास विपक्ष की पार्टी वाले सब कह रहे सुनो धामी जी, अब आप न मूल निवास लागू करो 1950 का, उसका तो बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ही होगा जितने भी लोग 1950 के बाद आए उनकी सबकी छुट्टी उत्तराखंड में था, उनको सबको घर भेज देंगे तो जनसंख्या भीड़ कम हो जाएगी। अब भीड़ कम हो जाएगी तो क्या होगा? जब सरकारी नौकरियां जो आगे ना उसमें जो भर्ती होंगे, नहीं भर्ती होंगे जो सच में उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, ठीक, एक प्रकार की पॉलिटिक्स भी आया। सी अब सरकार हाई कोर्ट ने क्या कहा था, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यूँ कहा था भाई तमीज 2010 में तमीज में रहा करो, बात ऐसी है जो 2010 में कहा था उत्तराखंड की हाई कोर्ट में, बात ऐसी है जब उत्तराखंड बन चुका है ना तो 2000 चाहे 1950 का रह रहा है, 60 का रह रहा है, 71 का रह रहा है, 80 का रह रहा है, कोई यहाँ का बसा है, ठीक, जो 9 नवंबर 2000 के बाद नहीं आया, 9 नवंबर 2000 के बाद नहीं आया वो यहाँ का निवासी है, समझ आई बात है? तो जो यहाँ का पीछे पहले का आया हुआ चाहे वो 99 में आया चाहे 98 में आया वो भी उत्तराखंड का निवासी है, समझ गए? तो इसलिए एक कंट्राडिक्शन है वो। उत्तराखंड के लोग क्या कहेंगे? उत्तराखंड के लोग क्या कहेंगे? ना मूल निवास लागू करो 1950 का, पता लग गया उनके बहुत सारे हित, मैंने तुम्हें एक हित ही बताया, उनका बहुत सारे हित उत्तराखंड के लोगों के, बात समझ में आई है? इस डिस्प्यूट को तुम्हें समझना। अब सवाल है सही सही क्या है, समझ नहीं है तुम क्या कहने की कोशिश कर जा रही, सही क्या है? फिर देखो यहाँ समझ लो, पहले 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सीमा को समाप्त कर दिया संशोधन करके, मूल निवास की मांग उठती रहती है 1950 की, वर्तमान में तेज है मांग, सही बात है, रिसेंटली डेवलपमेंट भी ले आया, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये समझ लो, जो आजकल पेपर में 199 क्वेश्चन आओ, और अब तुम ऑब्जेक्टिव सवाल लगाओगे इसके जाकर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया इस तो समझ पैदा हो जो मैं पढ़ाऊँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने ना उस तो क्या करो पेपर पक्का हो जा, मजबूत हो जा, जो मैं पढ़ाऊँ उससे समझ पैदा हो, और आजकल के पेपर के लिए समझ बहुत जरूरी है, समझ नहीं बात यार, ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो समझता। उत्तराखंड भूमि बंदोबस्त जब इसमें पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें पूरा का पूरा समझाया कि जो अंग्रेजों के द्वारा टोटल जब अंग्रेजी सत्ता का शासन था, कुमाऊं कमिश्नरी का शासन था, तो उनके द्वारा 11 भूमि बंदोबस्त कर रहे थे, 1960 में हमने कर लिया खुद, समझाएंगे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तो जो 11 भूमि बंदोबस्त हुए ना उन तो पेपर में बार बार सवाल पूछा जा, आज तुम ऑब्जेक्टिव सवाल लगाओगे जाकर तो भरमार मात्रा में सवाल मिलेंगे तुम्हें, और दिस इज योर होमवर्क, ये भी बात समझ लो। कुल भूमि बंदोबस्त कितने हुए? 11, कल ही पढ़ाए थे मैंने तुम्हें, पहला किसने करवाया? ई गार्डनर, दूसरा अंतिम करवाया 1928 में इबर्टसन ने, इबर्टसन, पहला किसने करवाया? ई गार्डनर, दूसरा किसने करवाया? इबर्टसन, पहला हुआ 1815 में, लास्ट का 1928 में, इतनी बात बताओ समझ में आई, दो तो याद हो गए, चलो पहला जो हो भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? ई गार्डनर 1815 में, सबसे लास्ट का इबर्टसन 1928 में, जब नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, याद रहेगी बात यार। अच्छा फिर दूसरा हुआ होगा, दूसरा हुआ कब? 1816 में, फिर तीसरा हुआ होगा 1817 में। अब सवाल है जो पहला दूसरे से लेकर जो 7 तक हुए वे विलियम ट्रेल के द्वारा करवाए गए, रेल नहीं ट्रेल, पता लग चुका है, जब 2 तले के 7 तक हुए कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए? 11, अंग्रेजों ने 11 करवाए 1960 में, एक उन्होंने खुद कराओ कुज एक्ट वाला पूरा का पूरा, याद रहेगी आपकी कोई दिक्कत? ये किसने करवाया 2 तले के 7 तक? ट्रेल ने। 8वां भूमि बंदोबस्त जो वो करवाया बैटन ने 1840 में, बैटन, इनकी सबकी अलग अलग विशेषता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के यूं पता लग जाएगा इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा, समझ गए? अब 9वें नंबर का इतना फेमस है बहुत ज्यादा, ये 1863 में हुआ 9वें नंबर का, मैं इंपॉर्टेंट लगा रखा पूरा का पूरा। पहली बात है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर करा गया, इसे विकेट बंदोबस्त या बैकेट बंदोबस्त बोलते हैं। 9वें नंबर का जो बंदोबस्त था ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो, उसे कहते हैं बैकेट बंदोबस्त, बैकेट पैकेट नहीं, बैकेट बैकेट बंदोबस्त या विकेट बंदोबस्त। विकेट नहीं करवाया था, विकेट व्यक्ति का नाम था, कमिश्नर था वो, बैकेट नहीं करवाया था तो नाम है विकेट बंदोबस्त, समझिए बैकेट बंदोबस्त। बैकेट कब हुआ? 1863 में, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, पता है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसने भूमि पर इस तरह टैक्स लिया, किसी के यहाँ उत्पादन ज्यादा हुआ तो भाई कोई बात नहीं तुम ज्यादा टैक्स दे दो, किसी के यहाँ कम उत्पादन हुआ कम टैक्स दे दो, इसीलिए इसे वैज्ञानिक पद्धति बोल लो, तो बढ़िया बात है। तो इसलिए अंग्रेज ऐसी बात नहीं, बुद्धिमान भी थे, सही बात है, लेकिन नाम अंग्रेज है ना तुम्हारे दिमाग में बस सेट कि अंग्रेज तो अंग्रेज और सारे के सारे बुरे ही होंगे, जैसे हम सेट कर दिया जाए हमारे दिमाग में मुसलमान तो मुसलमान तो बुरे ही बुरे होंगे, हिंदुओं के दिमाग में सेट, मुसलमानों के साथ दिमाग में सेट कर दिया हिंदू सारे के सारे बुरे ही होंगे ऐसा करके, ठीक, लेकिन मैंने तो बुरे थोड़ा ही हो, सही बात। मैंने कहा मेरे मोमडन एक फ्रेंड थी, क्या नाम था उसका? आयत खान, सही बात, दिल की भी बड़ी साफ थी और वैसे भी बड़ी साफ थी। हाँ और
बहुत अच्छा आचरण था। जब मैं उनके घर चले जाता था ना सभी चाय वाय पी करता था उनके घर बैठ के जाकर, मुझे लगा ही नहीं कभी मैं किसी मुस्लिम के घर आया हूँ। बहुत अच्छा आचरण। क्या होगा आगे चलो। आयत खान कितने होंगे? नौ। अच्छा नौवे नंबर का एक और देख लो, 1800 इसे 30 साल बंदोबस्त भी कहते हैं। जो नौवे नंबर का था ना इसे 30 साल के लिए करा गया था, इसे 30 साल बंदोबस्त भी कहते हैं। डोरी पैमाइश भी इसी के समय करी गई थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा होता है यहां तो बहुत कुछ निकल का आगा और लिख लेना। समझ नहीं बात आई? सोचिए चैप्टर कंप्लीट होगा, खूब मेहनत करनी पड़े इसके बाद भी। वो खूब मेहनत कैसे करनी पड़ेगी? मतलब 3-4 वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। 1857-17 में 3 साल बंदोबस्त हुआ, 3 साल का बंदोबस्त, कितने साल का? देखो जो 1815 में होता वो भी 1 साल के लिए हुआ था, 16 में हुआ था वो भी 1 साल के लिए हुआ था, 17 में हुआ वो 3 साल के लिए हुआ। 1817 में जो हुआ था वो किसने करवाया था? ट्रेल ना, ट्रेल। यहाँ तक सवाल पूछा जा इसलिए कह रहा हूँ मैं। 1823 वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इसे 5 साल बंदोबस्त बोलते हैं, 5 साल के लिए हुआ था। यह बात मैंने कल भी बताई थी तुम, जहाँ मैपिंग करी गई थी, नक्शे बनाए गए थे। समझ में बात यह मैं कल बताया था तुम्हें। इसे 80 साल बंदोबस्त भी कहते हैं। 80 साल पता क्यों कहते हैं? 1823 में तुम 57 जोड़ दो। हिंदू कैलेंडर है ना, आज जो सन चल रहा है तो जो तुम्हारा सन नहीं चल रहा है, अगर तुम हिंदू हो तुम्हारा सन नहीं है तो अंग्रेजी सन है। कौन सा सन चल रहा है? 2024। 57 जोड़ो उसमें, हिंदू कैलेंडर निकल का जाएगा। समझ की बात या? 1823 में तुम 57 जोड़ो, 57 जोड़ोगे तो 1880 बैठेगा, इसलिए 80 साल बंदोबस्त कहते हैं। 80 सालों, 80 साल बंदोबस्त, 80 साल बंदोबस्त, पता लग गया ना? कौन सा संवत है? विक्रम संवत, शक संवत। अच्छा शक संवत है। पता लग गया? इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? देखो ध्यान तो सुनो, यू सिर्फ एक डायरेक्शन हो सर, सुनो चुप जो बात ना करो, यू सिर्फ एक डायरेक्शन सर। मैंने तुम्हें बताया पूरा पढ़ने के बावजूद 2 पेज का नोट्स होगा पहले से, कैसे तैयारी होगा? इस चैप्टर के पीछे खाली पेज छोड़े जा 2, ठीक। उस दोनों पेज पे एक पेज पे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के बाद जो यूट्यूब सर, यूट्यूब पर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और पेपर में आए होंगे बार बार। 3-4 वीडियो से किसी से लगा लो। जीके ट्रैकर करके एक चैनल देखा तुमने, वो भी ठीक ठाक समझाओ बढ़िया करके। मैंने यहाँ क्यों लिखा रखा डाटा? एक समग्र समझ होगी, मैंने इसलिए पढ़ाया तुम्हें। शुरू से बात चल रही थी, मैंने लास्ट जाकर खत्म कर दी। क्या क्या किस चीज़ को लेकर विवाद हो वो भी खत्म कर दी। एक PCS वाले छात्र के लिए इतना बहुत जरूरी हो, समझ नहीं बात या? अब लिखना कैसे? PCS वाले छात्र को क्या और मेहनत करनी पड़ेगी? एड ऑन क्या करना पड़ेगा? उसे तुम्हें लिखाना पड़ेगा यार मैं 4 लाइन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखूंगा? जब मैं सोल्यूशन दूंगा तो सोल्यूशन क्या दूंगा मैं लास्ट में जाकर? क्या करना चाहिए, आगे की राह क्या होगी? ये चीज़ पहले तैयार कर रखने पड़ा हर चैप्टर के लास्ट में। अब तो उत्तराखंड का जो पेपर हो इसमें 2 पेपर जोड़ दिए गए, तो मैं कल को चेक करूंगा तुम्हारा। क्या चेक करूंगा? इंट्रोडक्शन में तुमने क्या लिखा 4 लाइन में, नोट्स चेक करूंगा सारा का सारा, और कंक्लूजन में तुमने क्या लिखा लास्ट में जाकर, तुम्हें भी चेक करवाओगे। अगर सही होगा पहले रफ पर लिख लियो फिर मैं चेक करूंगा, तो फिर तुम उसके अंदर अपना ऐड करोगे बाद में जाकर। हर चैप्टर के पीछे इस तरह काम करना पड़ेगा तुम्हें। कल्चर वाला पार्ट लिखने जा रहे हो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। कल्चर वाले के पीछे जाकर इंट्रोडक्शन पहले ही तैयार करके रखो, कंक्लूशन पहले ही, फिर क्वेश्चन जो पूछा ना उसकी डिमांड फुलफिल कर दो बीच में, पढ़ने का ही नहीं हो लास्ट में जाकर। सबसे लास्ट में सबसे चीज पढ़े सबसे लास्ट का, ऐसे तो कहें अंकों में धूल झोंकना। सही बात यह ठीक, इतना अच्छा सुंदर सुंदर लिखो, कितना टाइम थोड़ा ही उस पर पढ़ेगा तुम्हारा। स्टार्टिंग से देखा क्या लिख रखा है? शुरू की बात पढ़ती हुई प्रभावित, फिर लास्ट में चेक करता हुआ। बॉडी पार्ट तो किसी का पढ़ता ही नहीं बिल्कुल भी, ऐसे चेक करता चला जा लिख रखा है, रिलेटेड है, मैच कर रहा। काफी अट्रैक्टिव बनानी पड़े लिखने के लिए, खूब मेहनत करनी पड़े। शुरू शुरू की मेहनत हो बस यार, और कुछ भी नहीं है। 8-10 पन्नों का पेज का सारा हो, इतनी बार बताओ समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कर लोगे? कल को चेक कराओगे? कल को हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है, लेकिन ये भी पूरा नहीं हुआ मैं भी कह रहा हूँ बा। अच्छा कल को तो टीचर डे है ना? ठीक है, तो जो कल को टीचर डे है ना, तो टीचर अपने अपने टीचर के पास चले जाना, समझ की बात है। वो बहुत जरूरी हो, उनके लिए एक पेन लेकर जाना। मेरे पास मत लाना पेन बिल्कुल भी, मेरे पास लाओगे 5 वाला मत लाना बिल्कुल, 10 वाला चाहिए। समझ की बात है, 5 वाला लाओगे ना खाल उतार दूंगा बिल्कुल। बात मत करो, सुन लो, कल को ना टीचर डे तो कल को पार्टी होगी, दावत होगी। चलो अच्छी बात है।